नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर रेनू गोसाई अपने चैनल पंजाबी चटोरे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल पंजाबी डिश, वो है गुड़ और आटे से बनने वाले मीठे टिकड़े। इसको मीठी पूड़ी भी कहते हैं, मीठी मट्ठी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मीठे टिकड़े और इससे खजूर बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पाव भर गुड़ लिया है। इसके अंदर हम इसका सिरप बनाने के लिए बिल्कुल आधा कप से भी कम पानी डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि गुड़ जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाए और फिर से इससे हम आटा लगाएंगे। बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, बस गुड़ गीला हो जाए, नहीं तो फिर मिठास जो है वो नहीं आएगी। बस हम इतना ही डालेंगे और अब इसको हम ढक कर रख देंगे। मीठे टिकड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा छान लिया है। पाया गुड़ के अंदर 250 ग्राम गुड़ के अंदर मैंने थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी डाल के उसका सिरप तैयार कर लिया है। आधा कप मैंने यहाँ देसी घी लिया है, 1 बड़ा चम्मच मोटी सौंफ ली है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। आटे के अंदर सबसे पहले हम सौंफ डालेंगे, तिल डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमने आधा कप घी लिया है उसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मोयन को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसको इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अब हमने जो सिरप लिया है उसको जितना ज़रूरत होगा, यानी कि हमने बहुत टाइट डो लगाना है इसलिए हम हो सकता है सारा सिरप इसमें ना यूज़ होए, तो थोड़ा थोड़ा करके सिरप डालेंगे। ये सारा सिरप 100 ml सिरप था जो 250 ग्राम गुड़ से तैयार हुआ था, तो 100 ml से ज़्यादा पानी नहीं लगता 2 कप में। इसका हमने बहुत टाइट डो लगाना होता है और ये डो अब हमारा देखिए कितना टाइट है, आप देख सकते हैं अभी इतनी मुश्किल से ये इकट्ठा हो रहा है। अब हम इसको इकट्ठा कर देंगे और थोड़ी देर हम इसको एक कपड़े से ढक कर रख देंगे। डो को ढक कर रखे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। अब हम इस डो के अंदर से थोड़ा सा आटा लेंगे, लोई बनाएंगे और उस तरह से पहले हम हाथ से वो करेंगे, क्योंकि एक तो इसके अंदर मीठा है और दूसरा इसके अंदर मोयन है, और मोयन अगर कम होगी तो ये बहुत सूखे बनते हैं, मीठा बिल्कुल भी फीका होगा तो भी नहीं अच्छे लगते। तो इस तरह से बना लेंगे और फिर हम इसको हाथ से ऐसे दबा देंगे। दबाने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बेल लेंगे, बहुत पतला नहीं बेलेंगे इनको। और इस तरह से हम सारी लोइयां बनाकर, इस तरह से सारे टिकड़े बनाकर रख लेंगे और फिर हम इनको तलेंगे। सारे टिकड़े हमने बेल लिए हैं, अब हम इनको बहुत ही धीमी आंच पर तलेंगे। टेम्परेचर सेट करने के लिए पहले हम एक टिकड़ा यहाँ पर डालेंगे, धीरे धीरे ये अपने आप ऊपर आएगा। गुड़ के बने हुए हैं तो इनका रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसलिए ये बिल्कुल धीमी आँच पर हम इनको तलेंगे। और इसी तरह से हम कुछ और भी डालते जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इनको तलना है। देखिए ये तलते हुए अपने आप धीमी आंच पर ऊपर आ रहे हैं, इनको हम बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जब तक ये तल कर प्लेट में जाकर ठंडे नहीं हो जाते तब तक ये क्रिस्प नहीं होते, इनके टूटने का डर बहुत रहता है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको तला जाता है। देखिए किस तरह से ये लाल हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमने उनको बड़े ध्यान से निकालना है। और हम इसको पेपर नैपकिन के ऊपर रखते जाएंगे। लीजिए तैयार हैं हमारे बिल्कुल मीठे खस्ता टिकड़े। आप इस तरह से इनको बनाइएगा, बहुत ही खस्ता बनते हैं, लेकिन कई बार ही थोड़ा सा जब ये तलते हैं तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि अभी ये टूट जाएंगे, तो इनको बड़े ध्यान से बड़ी हल्की छरनी लेकर उससे आपने चेंज करना है। तो देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं, कितने जल्दी टूट रहे हैं। अगर हम इसमें मोयन कम डालेंगे तो वो बन तो जाएंगे आसानी से, लेकिन जब वो ठंडे होंगे तो बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे।
तो आप इस तरह से बनाइएगा। और ये खास करके व्रत के अंदर होली अष्टमी में ये मैं बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की है। ये आप इसको बनाइएगा, आप इनको बनाकर रख सकते हैं और 15-20 दिन तक ये चल जाते हैं। और मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।